नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और इस बुलेटिन की शुरुआत ललितपुर से आ रही खबर के साथ, जहां पर 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। उफान पर कई बांध, गोविंद सागर, राजघाट, सजनाम, जामनी बांध से छोड़ा गया है पानी। 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है, हजारों लीटर पानी छोड़ने से नदियां उफान पर। गोविंद सागर, राजघाट, सजनाम बांध से पानी छोड़ा गया है, हजारों लीटर पानी छोड़ने से नदियां उफान पर। तस्वीरें देखिए, भारत समाचार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है, बांधों पर अधिकारी लगातार नजर बनाए हैं। एमपी में हो रही बारिश से ललितपुर डैम फुल है। जी हां, एमपी में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ललितपुर डैम फुल है। और अब जो पानी छोड़ा जा रहा है ललितपुर में, उससे देखिए भारी बारिश, ललितपुर डैम फुल है। तस्वीरें देखिए आप, 24 घंटे से लगातार बारिश जारी, और ऐसे में बारिश के एक तरफ बारिश का कहर है और दूसरी तरफ पानी छोड़ा जा रहा है बांधों से, जिसके बाद स्थितियां देखिए आप किस प्रकार से पानी। भारत समाचार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उफान पर नदियां और नाले, और देखिए निश्चित तौर पर लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त होता हुआ इन चीजों से। 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है, बारिश बार से हाहाकार। मानवेंद्र हमारे सहयोगी मानवेंद्र सिंह डीएम साहब हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। सर, हम जिस प्रकार की तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे स्थिति को समझना बहुत आसान है, लेकिन सर आप लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, प्रिकॉशन किस तरह की ली जा रही है? सर, ललितपुर में कोई ऐसी समस्या नहीं है। ललितपुर में पिछले 12 घंटे से थोड़ी बारिश है, और इससे पहले तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन विदिशा और उसके ऊपर भोपाल में बारिश ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से बेतवा नदी में काफी पानी है। और कल से करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी राजघाट से छोड़ा जा रहा है जी। और लेकिन वो हमारे लिए कोई अलार्मिंग वाली बात नहीं है, वो नदी में ही रहता पानी, इससे बाहर नहीं आता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत सर नहीं। मतलब है, आप ये कह रहे हैं कि हालात सामान्य जी? सर, मतलब स्थितियाँ बिल्कुल कंट्रोल में है, लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, ललितपुर में ऐसी कोई बात नहीं है। एमपी में बारिश ज्यादा है जी, और वो पानी क्योंकि कंट्रोल पानी है तो वो निकालते रहेंगे हम लोग, और 4.5 लाख क्यूसेक तक बड़े आराम से पानी निकाल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी 4.5 लाख जी पानी निकाला जा रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मानवेंद्र सिंह साहब डीएम थे यहाँ के, और जिन्होंने बताया कि स्थितियां जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, और जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, सारी स्थिति इनके कंट्रोल में, प्रशासन के कंट्रोल में। एमपी में ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हाँ यहाँ पर यह स्थिति नॉर्मल है, ये कहना है साहब का। संजीव नामदेव हमारे संवाददाता ललितपुर से जुड़ गए हैं। संजीव, डीएम साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि स्थितियां सामान्य है, हालांकि तस्वीरें देखकर परेशानी तो जरूर लग रही है। संजीव खुशबू जी, मैं आपको बता दूं कि ललितपुर, जो ललितपुर जिला है वो बांधों का जिला कहलाता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ललितपुर में बांध है। यहाँ पर गोविंद सागर बांध, राजघाट बांध, सजनाम बांध, जामनी बांध, जो क्या मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, और ललितपुर में भी करीब 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो डैम है वो पूरे जलाशय पूरे फुल हो गए हैं, और उनका पानी जो गेट होते हैं उनके गेट से पानी की निकासी की जा रही है, उसी निकासी के चलते जो ललितपुर के जिलाधिकारी है उन्होंने पूरे प्रशासन को वहां लगाए रखा है, उन्होंने और मुआदी कराकर जो स्थान है नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए वहां से हटा भी दिया गया है, और सभी सुरक्षित हैं, लेकिन जो पानी निकाला गया है उसमें 24 घंटे से जो गेट खुले जा रहे हैं उसका ये पानी है, और लगातार ये पानी नदियों को उफान ले रहा है जी। तो लोग जो आसपास है, क्या उनको कहीं शिफ्ट वगैरह भी संजीव किया जा रहा है, उनको प्रिकॉशन के तहत छोड़ने के लिए भी जगह कहा गया है? संजीव बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी, आपको बता दूं कि जो नदी के आसपास के जो लोग हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों के हैं, और जो जहाँ जिसके लिए सुविधा मिल रही है वो वहाँ अपने स्थान पर रह रहा है, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, इस वजह से पानी की निकासी की जा रही है। बिल्कुल संजीव, और संजीव हमें तस्वीरें वगैरह देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग वहां पर फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन्हें नहीं रोका जा रहा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जिस प्रकार से उफान पर है नदियां? संजीव जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये सेल्फी की सनक और दांव पर जिंदगी वाला बात है, जो पानी रहता है वहाँ पर लोग सेल्फी खींचते हैं, याद इससे कई लोगों की पहले भी अभी मौत हो चुकी है। इससे पहले राजघाट में एक युवक सेल्फी लेते समय पानी में बह गया था, जिसकी मौत हो चुकी थी, और
भी माने इन चीजों से प्रशासन, ललितपुर प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सबक नहीं लेता है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं करता है। संजीव बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं, और ऐसे में ही जब कोई हादसा होता है तो फिर एक तरफ लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और दूसरी तरफ प्रशासन को भी इंतजाम करने चाहिए मुकम्मल, जो कि फिलहाल तो दिख नहीं रहा। और संजीव कितने लोग, मतलब आसपास के कितने लोग हैं जो इन चीजों से प्रभावित होते हैं, अगर हम कहा जाए जैसे कितने गाँव कितने लोगों की संख्या होती है संजीव? बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो माना डैम का पानी छोड़ा जाता है वो नदियों के सहारे ही निकलता है, नदियों के सहारे जो माना जो पुल रहते हैं वो पुल से उफान पर रहते हैं, ऊपर से पानी जाता है जिससे कई जो नदियों। संजीव आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बार फिर से देखिए दर्शकों को पहले हम ये तस्वीर दिखा दें और दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, देखिए हजारों लीटर पानी छोड़ा गया है, उफान पर नदियां और नाले हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ। भैया को हाथ पकड़ लीजिए ना, एक जन को हाथ पकड़ लेना, सुनिए रहा नीचे पेरी भाई, समझ में आ गई थी आवाज ऐसे दीनदयाल हाँ लगे रहो तुम बस। तो एमपी में लगातार बारिश हो रही है, उफान पर नदियां और नाले हैं और आप तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उफान पर नदियां नाले हैं और किस प्रकार से लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा होगा। संजीव भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। संजीव जैसा कि हम बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा जो है पानी छोड़ा जा रहा है, लोगों का जीवन जो है निश्चित तौर पर ऐसे में अस्त व्यस्त हो जाता है। तो संजीव ये जानने की कोशिश हो रही थी कि कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं संजीव फिलहाल, और प्रशासन क्या व्यवस्थाएं कर रहा है मुकम्मल? खुशबू जी मैं आपको बता दूं कि जो गोविंद सागर डैम है यहाँ पर 8 गेट खोले गए थे जिससे 4,440 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, इसको नदियों के सहारे इसका पानी निकाला गया था जिससे जो नदियों के आसपास के लोग हैं वो अपने सुरक्षित स्थान पर पहले से ही पहुंच गए थे, उनकी मुआदी करा दी गई थी प्रशासन द्वारा, और जो नदियों के सहारे जो नदियों उफान पर है जो गाड़ियां आवागमन रहता है जो निकलने में दिक्कत होती है उनके लिए वहाँ व्यवस्था करा दी गई है कि आप अभी यहाँ से सुरक्षित आप निकले ना, पानी उफान पर है कभी भी पानी। बिल्कुल संजीव, चलिए आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ललितपुर में स्थिति निश्चित तौर पर काफी ज्यादा खराब लग रही है, हालांकि जो डीएम साहब है उनका ये कहना कि स्थिति कंट्रोल में है और लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर। बहरहाल खबर शामली से, जहां पर सपा विधायक नाहिद हसन पर मुकदमा दर्ज, एसडीएम सीओ से अभद्रता पर मुकदमा दर्ज, वाहन चेकिंग के दौरान की थी अभद्रता, एसडीएम सीओ से अभद्रता पर मुकदमा दर्ज, वाहन चेकिंग के दौरान की थी अभद्रता, सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज, कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, कैराना कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। भारत समाचार ने आपको दिखाई थी इस खबर को भी कि किस प्रकार से नाहिद हसन पहुंचे थे और जो कैराना कोतवाली में दर्ज हालांकि मुकदमा हुआ है कई धाराओं में, सपा विधायक नाहिद हसन पर मामला दर्ज हुआ है शामली में, एसडीएम और सीओ से अभद्रता पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वाहन चेकिंग के दौरान अभद्रता की थी और तमाम तरह की बातें हुई थी दोनों के बीच में जो अधिकारी हैं और जो नाहिद हसन साहब है और रवि सुलानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। रवि, कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कौन सी धारा है और नाहिद हसन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, क्या प्रतिक्रियाएं आई है रवि? खुशबू देखिए, ये 4 दिन पुरानी ये घटना है जब जो है विधायक नाहिद हसन अपनी जो है नाहिद कॉलोनी पर जा रहे थे, उस बीच जो है रास्ते में कैराना के जो एसडीएम है अमित पाल शर्मा और सीओ राजेश कुमार तिवारी ने उनकी गाड़ी को रोका था, वाहन चेकिंग के दौरान वो कागज चेक कर रहे थे, इस दौरान विधायक ने जो है अपने समर्थकों को वहां इकट्ठा कर करके और उनके साथ में अभद्रता की थी जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसके बाद ये मामला एक जिले का बड़ा मामला बना था और इस मामले की जांच एसपी शामली अजय कुमार ने एडिशनल एसपी को दी गई थी। हालांकि 4 दिन हो चुके हैं जांच जारी है, लेकिन आज अचानक से सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया, इसके अलावा तमाम धारा 420 और धारा 144 का उल्लंघन करने सहित तमाम धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खुशबू बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और खबर अब मेरठ से, जहां पर सीजीएसटी के ऑडिट विंग में सीबीआई का छापा, 3 लाख की रिश्वत लेते हुए अधीक्षक विकास चौधरी अरेस्ट। मेरठ में सीजीएसटी के ऑडिट विंग में सीबीआई का छापा, 3 लाख की रिश्वत लेते हुए अधीक्षक अरेस्ट। ठेकेदार की कंपनी के ऑडिट के लिए मांगे थे 8 लाख, 3 लाख लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा है। विकास चौधरी के घर पर भी सीबीआई का छापा, ऑडिट के लिए 8 लाख मांगे थे, 3 लाख लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा। विकास चौधरी का खजाना खंगाल रही है सीबीआई। मेरठ का बड़ा रिश्वतखोर अफसर है विकास चौधरी। मेरठ के डिफेंस एनक्लेव में है विकास चौधरी का घर। और नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेंद्र, 8 लाख की रिश्वत मांगी थी, 3 लाख लेते हुए तो सीबीआई ने ही पकड़ लिया, और घर पर भी छापेमारी हो रही है। नरेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये छापेमारी की प्रक्रिया है वो फिलहाल तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सुबह करीब 5 बजे तक सीबीआई की छापेमारी विकास कुमार के घर पर चली है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो संभव है कि किसी अकूत संपत्ति की ओर इशारा करते हो, किसी अघोषित संपत्ति की ओर इशारा करते हो, ऐसे दस्तावेज जो है वो सीबीआई ने वहां से बरामद किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी फाइलें जो उस अधीक्षक के ऑफिस में थी उनको भी सीबीआई अपने साथ ले गई है। आज विकास कुमार को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद ये तय होगा कि उनको रिमांड पर लाया जाता है या नहीं, उसका निर्णय जो है वो कोर्ट करेगी। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि जो टैक्स बचाने की जद्दोजहद है उसमें कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं, और लंबे समय से लाखों रुपए की रिश्वत जो है वो उन तक पहुंच रही थी, जिस तरह सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जी जी, शुक्रिया नरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सोनभद्र में सरकार, जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री घोरावल थाना क्षेत्र के उंभा गांव में पिछले दिनों हुए नरसंहार पीड़ित परिवारों और अन्य भूमिहीनों को जमीनों का पट्टा बांटेंगे। 12 बजे तक उंभा गांव में रहेंगे सीएम, साथ ही 340 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नरसंहार में प्रभावित लोगों को पट्टा देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 350 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, लोकार्पण और शिलान्यास होगा परियोजनाओं का। 17 जुलाई का दिन सोनभद्र के उंबा गांव की जमीन पर कब्जे को लेकर नरसंहार हुआ था, 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और अब उसके बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से मुलाकात करके कई वादे किए थे, और आज उसी वादे के तहत एक बार फिर से सोनभद्र पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नरसंहार में प्रभावित लोगों को पट्टा देंगे। जमीन विवाद 17 जुलाई को हुआ था, 11 लोगों की हत्या हुई थी। उंबा गांव के 851 जो 251 आदिवासियों के नाम दर्ज होगी जमीन, एक पीड़ित को 7.5 बीघा जमीन पट्टा देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सोनभद्र 17 जुलाई को जो नरसंहार हुआ उस वो भुलाए नहीं भूलता, 11 लोगों की हत्या की गई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम का? रोहित, एक कार्यक्रम है, उनके परिजन जो घायल हैं उनको भी, सभी लोगों को 2.5 बीघे जमीन का पट्टा उनको दिया जाएगा। और इसके अलावा हम बता देंगे कि इस घटना के बाद से तमाम राजनीतिक दलों द्वारा यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही, ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार ये दावा करती रही कि राजनीतिक रोटी सेकने से कोई फायदा नहीं है, जरूरत है जरूरतमंदों को सुविधा पहुंचाने की, गांव का समग्र विकास करने की। तो ये 17 जुलाई के बाद से नजर रहेगी। रोहित, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बात अब अखिलेश यादव की, जी हाँ, 2 दिवसीय रामपुर दौरे पर अखिलेश, शाम 5 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे रामपुर। आसम के आम सफर रिसोर्ट में होगा प्रोग्राम। 2 दिवसीय रामपुर दौरे पर अखिलेश यादव, शाम 5 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे रामपुर। आजम समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। कांग्रेसी कर सकते हैं अखिलेश का विरोध, कांग्रेस नेता लिख चुके हैं चिट्ठी राज्यपाल को। अखिलेश को दिखाए जा सकते हैं काले झंडे। तो 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर आने वाले हैं अखिलेश यादव। हालांकि देखिए पहले ही आने वाले थे लेकिन त्योहारों के मद्देनजर आए नहीं, और उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई बातें उन्होंने कही थी। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर शासन के आदेश नहीं मानता प्राधिकरण, भर्ती घोटाले की फाइल दबाए बैठे हैं अधिकारी। शासन ने कार्रवाई के लिए मांगे थे 58 ना 2002 से 2003 के बीच हुआ भर्ती घोटाला, 2011 में जांच के बाद 58 नाम सामने आए। शासन ने कार्यवाही के लिए नाम मांगे 2002 से 2003
तीन के बीच हुआ भर्ती घोटाला। शासन ने कार्रवाई के लिए मांगे थे 58 नाम। 2011 में जांच के बाद 58 नाम सामने आए। और दानिश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। दानिश, कई बड़े अफसर भर्ती घोटाले में शामिल थे, शायद इसलिए चीजें खुलकर सामने नहीं आ पा रही है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं इस भर्ती घोटाले में कई बड़े नाम शामिल थे, इसीलिए जब सरकार से लगातार कहा जाता है कि हाँ वो उन नामों को दिया जाए, उनकी लिस्ट दी जाए, वो फाइलें दी जाएं, वो दस्तावेज दिए जाएं, उसके बावजूद वो फाइलें वो दस्तावेज नहीं दिए जाते। यही वजह है कि जब योगी सरकार बनी तो उसने लगातार कार्रवाई करी, कार्रवाई करने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लिखा और उन नामों को मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ ऐसे अफसर हैं जो उन फाइलों को दबाए बैठे हैं और सरकार को दे नहीं रहे, तो कार्रवाई हो नहीं पा रही है। जी दानिश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बात अयोध्या मामले की, जहाँ पर 23वें दिन की सुनवाई आज सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। जफरयाब जिलानी रखेंगे अपना पक्ष। अयोध्या मामले में आज 23वें दिन की सुनवाई सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। जफरयाब जिलानी रखेंगे अपना पक्ष। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने ब्रेक मांगा था। राजीव धवन ने बहस से ब्रेक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन को आज ब्रेक दिया है। तो राजीव धवन ने ब्रेक की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन को आज ब्रेक दिया है। अयोध्या मामले में 23वें दिन की सुनवाई है आज। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन को आज ब्रेक दिया और आज जफरयाब जिलानी पहली बार पक्ष रखने वाले हैं अपना सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। और हमारे साथ अवैस, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। अवैस, 23वें दिन की सुनवाई है आज, कई मायनों में महत्वपूर्ण, जफरयाब जिलानी अपना पक्ष रखने वाले हैं आज। जी बिल्कुल, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है खासतौर से सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, क्योंकि आज पहली बार जफरयाब जिलानी 23 दिन की सुनवाई के बीच में अपना पक्ष जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से रखेंगे। आपको बता दूं कि अभी राजीव धवन की दलील जो है वो पूरी नहीं हुई है। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से जब सुनवाई शुरू हुई तो उस दौरान कहा था कि वो हफ्ते में 5 दिन जो है जिरह नहीं कर सकते, इसलिए उनको ब्रेक दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया था कि राजीव धवन को उस दिन ब्रेक दिया जाएगा। तो उसी ब्रेक के तहत जो है आज जफरयाब जिलानी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले निर्मोही अखाड़ा की जो दलीलें रही हैं जमीन पर मालिकाना हक की और अपने शेबिट राइट को लेके, उसकी जो उसका खास पुरजोर मुखालफत जो है वो राजीव धवन की तरफ से की गई थी पिछली सुनवाई में लगातार। और कल की सुनवाई की अगर बात करें तो कल सुनवाई में राजीव धवन ने कहा कि उनको जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं और उनके जो स्टाफ है उसको धमकियां मिल रही हैं वो बहुत ही निंदनीय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो हम सुरक्षा दे सकते हैं, मगर राजीव धवन ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। इसके अलावा राजीव धवन ने उत्तर प्रदेश के मंत्री मुकुट बिहारी उनका जिक्र किया था। उन्होंने जिस तरह से अयोध्या मामले को लेकर बयान दिया था उसका जिक्र किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस बयान के ऊपर भी काफ़ी नाराजगी जताई थी और कहा था कि कोर्ट के बाहर इस तरह की बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए और हिंदू और मुस्लिम दोनों आजाद हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बताएं, स्वर्ण जयंतीपुरम योजना में प्लॉट आवंटन मामला, 139 प्लॉट के आवंटन में धांधली की गई थी। प्राधिकरण ने 35 जेई के खिलाफ चार्जशीट तैयार। 2005 से 2007 के बीच में फिर से आवंटन किया था। 42 अवर अभियंताओं पर भी होगी कार्यवाही, 12 बिल्डरों पर होंगे मुकदमे। पहले से कम कीमत कमिश्नर मुरादाबाद ने मामले की जांच की थी। प्राधिकरण में घोटाले पर कार्यवाही की जाएगी। तत्कालीन वीसी ओएसडी पर भी कार्यवाही। और चलिए इसी बीच आगरा से भी बड़ी खबर आपको बताएं, मोबाइल टूटने पर मासूम की हत्या। सनसनीखेज खबर आगरा से, जहां पर मासूम की नौकर ने की हत्या, मेला दिखाने के बहाने ले जाकर हत्या। आरोपी नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौकर की निशानदेही पर शव बरामद। सैया थाना क्षेत्र रजपुरा गांव का मामला। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।